हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और आपको स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ कंडेंस मिल्क का रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ 25 मिनट में 20 से 25 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को फुल वॉच करिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। छोटा वीडियो है, मार्केट में लेने जाओ तो ये बहुत ही महंगा मिलता है और कहीं कहीं जगह में मिलता नहीं है। तो मुझे तो, मैं जो लोकेशन में हूँ ना, उसी में ये सारा सामान नहीं मिलता है। कंडेंस मिल्क, चीज़ वगैरह ये सारा सामान नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने होममेड बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपका साथ मैंने शेयर करूँगी। देखिए, मैंने होममेड बनाया कंडेंस मिल्क और परफेक्ट ही बनेगा। जैसे हम बाज़ार से लाते हैं ऐसे ही बनेगा और मेरा टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप भी बनाएं और ऐसे ही बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चाहिए दूध। तो मैंने, देखिए, आधा लीटर मैंने गाय का दूध लिया है और आप ना कहीं से भी दूध ले सकते हैं, पैकेट वाला दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने गाय का जो दूध होता है वही वाला दूध लिया। और मैंने थोड़ा सा बनाऊंगी, हाफ लीटर से बनाऊंगी, तो हाफ लीटर से भी एक कटोरी बन के तैयार हो जाएगी कंडेंस मिल्क। तो मैंने, देखिए, गैस पे चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए और बॉयल भी आ गया, देखिए। और बॉयल जैसे आ जाएगा अच्छा खासा ना, इसमें हम चीनी डालेंगे। तो मैंने आधा लीटर दूध में मैंने ये एक कप मैंने चीनी लिया, बा ये 250 ml का कप है, तो उसी में मैंने एक कप चीनी लिया। और ये दूध ना, दो कप मैंने लिया इसी कप से, 250 बा आधा लीटर दूध में मैंने आधा चीनी लिया इसी कप से, मेजरमेंट किया, देखिए। और उसके बाद ना उसको मिलाते जाइए अच्छा से, और इसका ना अच्छा खासा झाग आने लगेगा। तो ये देखिए, कुछ मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद, जैसे अच्छा खासा झाग आना शुरू हो जाएगा। देखिए ये कितना अच्छा से झाग आ गया, और इसका झाग ना ख़त्म होने के बाद ये ना पूरा कंडेंस मिल्क तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये ना बाज़ार में जाओ ना लेने के लिए बहुत ही महंगा मिलता है, तो इसलिए घर में ही और बहुत ही आसानी से बना के तैयार करिए। और आप ना जब केक बनाओगे, केक में, आइसक्रीम में यूज कर सकते हैं, कॉफ़ी में भी यूज कर सकते हैं, खीर में भी कंडेंस मिल्क बहुत ही डिश में लगता है। तो ये देखिए, मेरा बन के तैयार हो गया कंडेंस मिल्क, तो अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं। और एक चुटकी मैंने लिया ये मीठा सोडा, बा खाने वाला सोडा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक चुटकी डालेंगे। ये डालने से क्या होता है ना, इसका शाइनिंग और टेक्सचर बहुत ही अच्छा देता है, तो इसलिए ये ज़रूर डालिए। देखिए, मैंने डाल के एक चुटकी मीठा सोडा मिला दिया और उसके बाद अच्छा से मिक्स करेंगे, कंटिन्यू चलाते जाइए। बस ये देखिए, उसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है। और गाढ़ा हो जाएगा ना, तो आप ना उसको और भी 2-3 चम्मच इसमें दूध मिला के मिला दीजिए और पतला हो जाएगी। तो ये देखिए, मेरा बन के तैयार हो गया और मैंने अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, परफेक्ट है। ये ठंडा होने के बाद और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगी। और ये देखिए, ये कितना अच्छा से बन के तैयार हो गया। तो चलिए मैंने आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो मैंने ले लिया एक कटोरी, देखिए आधा लीटर दूध से मेरा एक कटोरी कंडेंस मिल्क बन के तैयार हो गया। और ये है ना बहुत इजी और बहुत आसान तरीका से, 20 से 25 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। आप ना ज़्यादा दूध से भी बना सकते हैं, जैसे कि एक लीटर दूध में आधा केजी चीनी ऐड कर दीजिए। और जैसे मैंने आधा लीटर दूध में मैंने उसका आधा मैंने चीनी लिया,
तो ये है ना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका से मैंने बताया। देखिए और कितना जल्दी बन के तैयार हो गया और उसका टेक्सचर देखिए। हम मार्केट से हम जैसे लाते हैं कॉन्डेंस मिल्क, ऐसे ही टेक्सचर है ना, ये देखिए। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, ये देखिए। और उसका टेक्सचर, उसका शाइनिंग भी देखिए कितना अच्छा आया है, और कलर भी ऐसे ही। हाँ, जो हम मार्केट से लाते हैं ना, उसका कलर थोड़ा हल्का ब्राउन होता है, तो और घर में बनाएंगे तो व्हाइट, मतलब ब्राउन, उसका मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा, लेकिन टेस्ट वही रहेगा जैसे हम मार्केट से लाते हैं ना, जैसे टेस्ट रहता है। घर में भी वही ट्राई करिए, ऐसे ही टेस्ट रहेगा, टेस्ट चेंज नहीं होगा। और देखिए कितना आसानी से हम घर पे इतना महंगा चीज़ बना के तैयार कर दिया। तो ये है ना बहुत आसान, तो आप लोग भी इस तरीका से बनाएं। और आप लोगों को कैसे लगा मेरा रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार आप भी इस तरीका से ट्राई करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए।